भैया आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन करेंगे। बस देखो, ये कॉलेज है MIT कॉलेज, और यहाँ से बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं। भैया से क्वेश्चन करेंगे। हाँ भैया, आज कैसा एग्जाम हो आपका? एग्जाम 8 तक अभी। अच्छा, पहला फर्स्ट अटैम्प्ट है कौन सा आपका? फर्स्ट ही है। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 80 प्लस। हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी नहीं कही है, हिंदी नहीं है। अच्छा, इंग्लिश करी थी आप? इंग्लिश की थी। अच्छा भैया, आपने भैया कितने क्वेश्चन करे? ना दिया भैया पेपर। ना दिया? अच्छा भैया, आपने कैसे क्वेश्चन करे? 71। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भैया आ रहे हैं। भैया आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने ज़्यादा नहीं किए। नहीं किए, कोई नहीं बता पा रहा। हाँ दीदी, कुछ क्वेश्चन के बारे में बताइए। बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, बढ़िया। अच्छा बढ़िया आ रहा है, वेरी गुड। आ रहे हैं भैया से पूछेंगे, कोई बता नहीं पा रहा है ना, सब शर्मा रहे हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छोड़ चुका है SSC GD का, आज 14 जनवरी है। तो भैया आ रहे हैं भैया। हाँ भैया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 70 करे। वेरी गुड, कितने मतलब कैसे आ रहा है पेपर? पेपर सही आ रहा है, थोड़ी रीजनिंग टाइम लेने वाला है। रीजनिंग और मैथ? मैथ भी थोड़ा टाइम लेने वाला आ गया। और हिंदी? हिंदी नहीं थी। अच्छा इंग्लिश? हाँ इंग्लिश थी, इंग्लिश सही आ रही है। 70 करे मैंने। वेरी गुड भैया, कॉन्ग्रेचुलेसन। भैया आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे भैया से। हाँ भैया, कितने क्वेश्चन करे आपने? क्वेश्चन तो हमने 70 के लगभग कर। अच्छा भैया, और कैसा आया पेपर आपका? पेपर क्या, प्रोग्राम जो सर्वर है वो टाइमिंग सेट है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग सेट है कि 15 मिनट दे रहे हैं 25 क्वेश्चन करने के लिए। वेरी गुड, वही प्रॉब्लम कर रही है सभी। अच्छा मैथ कैसा आया? मैथ बहुत ही, सभी चीज़ें बहुत हल्की है, GS भी बहुत हल्की है, बस टाइमिंग की प्रॉब्लम है जो भी। थैंक यू। हाँ भैया, आपने कितने क्वेश्चन किए? दीदी आ रही है, आ रही है दीदी, इनसे पूछेंगे। अभी वीडियो चलनी है, कोई बता नहीं पा रहा है वीडियो में, सब शर्मा रहे हैं। बहुत इजी पेपर आ रहा है। हाँ भैया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? भैया आपने मेरा भी होगा भैया। हाँ अच्छा, अभी होगा भैया काम का। कोई नहीं कोई नहीं, अभी बताएंगे सब लोग। सब निकलते हुए आ रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा है। सबका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत इजी एग्ज़ाम आ रहा है, तो सब खुशी के, सबके चेहरे पे खुशी है बहुत ज़्यादा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने? मैंने वो करे 65। अच्छा चलो हो जाएगा, बस जी का हल्का था, GS मस्त आ रहा है। GS नॉर्मल आ रहा है, मतलब GS नॉर्मल। वेरी गुड वेरी गुड, रोक दे। वेरी गुड, फर्स्ट अटैम्प है आपका? हाँ फर्स्ट अटैम्प। वेरी गुड, मतलब कौन सी चॉइस ली आपके GD में आपने? GD में? हाँ सर, GD में तो हमारा CSF है। वेरी गुड, कितने कैसे के, मतलब ऐसे रीजनिंग कैसी, कितने में करी थी आपने, कैसे कैसे? यस सर, रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग थोड़ा टफ आ रही है। अच्छा, थोड़ा पजल वगैरह थी। अच्छा, मैथ थोड़ा इजी था, सिंप्लीफिकेशन था, सब कुछ था, और करंट भी बहुत अच्छा था। मैथ में सर, मैथ में बताइए सर। मैथ में दो से तीन क्वेश्चन थे हमारे टाइम एंड वर्क से जी, और आपका मतलब थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम। हाँ सर, टाइमिंग प्रॉब्लम थी बिल्कुल भी। मैथ में तो बंदा जो जाता ही, अगर किसी की पहले क्या करा था आपने, मतलब तो सेक्शन वाइज खुल रहा है ना। ना सेक्शन वाइज में सबसे पहले आपकी चॉइस क्या थी? इंग्लिश थी। अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश फिर रीजनिंग, मैथ और GS। ठीक है भैया, ठीक है। ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा रहा, टाइम भी अच्छा होगा, 70-80 प्लस। इजी क्या आ रहा है? इजी, इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं कैसे। मतलब कौन से चैनल से, मतलब किसी से तैयारी की थी आपने किसी से? नो सर, हम तो सेल्फ कोचिंग में। अच्छा सेल्फ, ऑफलाइन। वेरी गुड भैया, यस सर, ओके थैंक यू, वेलकम।